Hello dear students, hope you all are fine and studying well at home. Okay, so today in this video lecture we will do English subject. Okay, so you have to take out your English CW book. Okay, and then you have to take out page number 1818. You have to take out page number 1818. Okay, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Fill in the blanks. देखो यहाँ पे blanks दी गई है, उसमें आपको क्या लिखना है? These and that. जो हमने पहले सीखा था कि जो नज़दीक है, जो near है हमसे, उससे हम क्या कहेंगे? These. और जो far है, बहुत दूर है, तो उसको हम कहेंगे that. Okay. तो देखो यहाँ पे arrows, picture के आगे arrows भी दिए गए हैं कि ये दूर है कि नज़दीक है. Okay. So let us start. See first one. Picture is of mango. Okay. Dash is a mango. Dash is a mango. तो mango में हम this लिखेंगे कि that. देखो ये arrow है, तो वो लंबा arrow है. लंबा arrow है मतलब दूर है. Okay. So this लिखेंगे कि that लिखेंगे दूर के लिए. So ये first picture में हम this लिखेंगे कि that लिखेंगे that. Okay. Because arrow बड़ा है. So यहाँ पे आप लिखोगे T H A T. That आपको T H A T that लिखना है. First letter that is T. T आपको capital करना होगा. Okay. लिखा T H A T that. Okay. So अभी हम ये पूरा पेज line है वो read करेंगे. That is a mango. फिर देखो नीचे आपको एक line दी गई है, वहाँ पे ये पूरा sentence आपको लिखना है ऐसे T H A T that. फिर क्या है? I S is. फिर a. फिर mango. तो mango का spelling आप यहाँ पे लिखोगे. ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है. ओके. सी नाउ सेकेंड वन. डैश इज एन आइसक्रीम. देखो यहाँ पे भी लिखा है डैश इज एन आइसक्रीम. तो आइसक्रीम में शॉर्ट एरो है, छोटा एरो है आइसक्रीम के आगे. तो ये दिस हुआ कि दैट? दिस. ओके. सो हियर यू विल राइट दिस टी एच आई एस दिस. और ये पूरा सेंटेंस आप कहाँ लिखोगे? यहाँ पे दिस इज एन आइसक्रीम, यहाँ पे आप लिखोगे. ओके. नाउ थर्ड वन. देखो डैश इज एन एप्पल. तो एप्पल के आगे भी शॉर्ट एरो है, मतलब नज़दीक है वो. ओके. सो व्हाट यू विल राइट हियर? दिस दिस इज एन एप्पल. सो दिस पूरा सेंटेंस दिस इज एन एप्पल आप दूसरी लाइन में, जहाँ पे ये जो लाइन है वहाँ पे लिखोगे पूरा सेंटेंस. ओके. नाउ सेकेंड फोर्थ वन. एग है. ओके. तो एग के आगे बड़ा एरो है, बड़ा एरो मतलब दूर है, फार है. ओके. डैश इज एन एग. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? दिस के दैट? यस, दैट लिखोगे. सो राइट हियर टी एच A T that. अभी आप इसको कैसे रीड करोगे? That is an egg. और ये पूरा सेंटेंस आप नीचे लिखोगे. ओके. नाउ फिफ्थ वन. डैश इज अ स्टार. तो यहाँ पे शॉर्ट एरो है कि बिग एरो है? यस, शॉर्ट एरो है. शॉर्ट मतलब नज़दीक है, नियर है. तो व्हाट यू राइट हियर? दिस टी एच I S this this is a star. Okay. और ये पूरा सेंटेंस आप यहाँ पे लिखोगे. Now ट्री है, देखो ये ट्री है और लॉन्ग एरो है. तो what will come here? That. Okay. So अभी हम इसको कैसे रीड करेंगे? T H A T that लिखो पहले, और हम रीड कैसे करेंगे? That is a tree. ओके. सो आपको ऐसे ही पूरा पेज दिस और दैट का कंप्लीट करना है यहाँ पे, और ऐसे ही आपकी एच डब्ल्यू बुक में है वो भी कंप्लीट करना है और अच्छी तरह से रिवाइज करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.